हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आइए बात करते हैं खबरों में रहे सलाद भालू के बारे में। सलाद भालू खबरों में क्यों है, देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में कर्नाटक में मानव और सलाद भालू के बीच टकराव की घटनाएं देखी गईं। इन घटनाओं ने समुदाय और वन्यजीव प्रेमी दोनों के लिए चिंताओं को बढ़ा दिया है। सलाद भालू के बारे में जानेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम मेलसस अर्नियस है। विश्व भर में पाई जाने वाली 8 भालू की प्रजातियों में से एक है। यह एशिया में भारत, नेपाल, श्रीलंका और भूटान आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। इसका मुख्य आहार चींटियां, दीमक जैसे कीड़े, फल और शहद आदि हैं। यह अन्य भालू के मुकाबले धीरे चलता है और सुस्त आलसी प्रवृत्ति का भी है। भारत के प्रमुख सलाद भालू अभयारण्य दारोजी सलाद भालू अभयारण्य जो कर्नाटक में है, गुडेकोटे सलाद भालू अभयारण्य जो कर्नाटक में है और जेसोर सलाद भालू अभयारण्य गुजरात में स्थित है। रतनमहल सलाद भालू अभयारण्य गुजरात में स्थित है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।